जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से आप व्हाट्सएप स्टिकर की जो एप्लीकेशन है जो कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इस तरह का जो एप्लीकेशन है आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट्सएप की तरफ से एक ऑफिशियल डेवलपर सोर्स कोड प्रोवाइड किया है। तो यहाँ से आप गूगल में जैसे ही सर्च करेंगे व्हाट्सएप स्टिकर गिटहब, तो यहाँ पे एक सबसे पहला लिंक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको एज ए न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो हमने इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया है। तो इसमें आपको एंड्रॉयड और आईओएस के लिए दोनों प्लेटफॉर्म के लिए आपको एग्जांपल सोर्स कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसमें से आप जैसे कि यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन है, तो यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक जिप फाइल यहाँ से गेट हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। 6 MB की एक जिप फाइल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे इसमें आपको एंड्रॉयड और आईओएस के लिए दोनों प्लेटफॉर्म के लिए आपको एज ए डेमो कोड मिल जाएगा। तो अभी हम जाएंगे एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर और यहाँ से उसकी जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है उसका हम कॉपी कर लेंगे। तो जैसे कि हमने इस प्रोजेक्ट हमने कहा है, तो यहाँ से आपके एंड्रॉयड फोल्डर की जो लोकेशन है इसको आप एज ए कॉपी कर सकते हैं। तो अभी हम एंड्रॉयड स्टूडियो को लॉन्च कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है, तो यहाँ से अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने प्रोजेक्ट फाइल यहाँ से डाउनलोड किया था उसको हम ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन ए एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में हम क्लिक करेंगे और उसके अंदर और यहाँ पे हम जो हमने प्रोजेक्ट का पार्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही हम इसको पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे वो लोकेशन पे ले जाएगा जिसके अंदर हमारा वो फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर लिया है, तो जैसे कि आप पहली बार जैसे ही इसको ओपन करेंगे उसको लोड होने में कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट है उसको सिंक होने के लिए दे देना है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट की लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी जो पैकेज नेम है वो हमें चेंज कर लेना है। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐप के अंदर जाना है और यहाँ से आप जैसे ही आप जोभा के अंदर आना है और यहाँ से आपकी जो पैकेज नेम यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कॉम डॉट एग्जाम्पल सैम्पल स्टिकर ऐप यहाँ पे जो पैकेज नेम है वो चेंज कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो पैकेज नेम यहाँ पे ये दिखा रहा है तो उसको यहाँ पे क्लिक करके ऐसे आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हाइड एम्प्टी मिडल पैकेज। तो इसमें जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपका सारा पैकेज अलग अलग हो जाएगा, जो है अलग अलग फोल्डर जैसा यहाँ पे जो है सेपरेट हो जाएगा। तो उसमें से आप जो भी सेंस करना चाहते हैं उसको सेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सैम्पल स्टिकर ऐप जो है उसको हम यही रहने देते हैं, जो एग्जाम्पल यहाँ पर है कॉम एग्जाम्पल और सैम्पल स्टिकर ऐप। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसको हम अभी सेंस करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर सेंस हो जाएगा पैकेज नेम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल पे हम एज ए राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्टर करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको और यहाँ से आपको रीनेम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम डॉट हमारा जो चैनल नेम डिफोस्ट हम यहाँ पे रीनेम कर देते हैं और इसके साथ ही हम नीचे जो हमें सेक्स बॉक्स दिख रहा है तो उन दोनों को भी हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। और जैसे ही हम रिफ्लेक्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ से जो भी इसका पैकेज नेम है वो सिंक होके बिल्ड सेंस कर देगा। तो यहाँ पे हमें दोबारा डू रिफ्लेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये फाइनली ये सारा पैकेज नेम यहाँ पे हमारा सेंस हो जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी जो पैकेज नेम यहाँ पे जो एग्जाम्पल था तो इसको हमने सेंस कर दिया है डिफोस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो और एक यहाँ पे पार्टीशन है तो उसको भी अगर आप सेंस चाहें तो सेम तरीके से सेंस कर सकते हैं। तो अभी हम दोबारा इसको एज ए और फिर से इसको कंप्रेस कर देते हैं और उसके लिए दोबारा आप ये सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे और इसको दोबारा आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें और एक चीज़ करना है, आपको यहाँ पे गिडल एक फाइल है तो इस गिडल के अंदर आपको जाना है और इसमें आपको दो फाइल आपको मिल जाएगा, बिल्ड गिडल प्रोजेक्ट एंड्रॉयड बिल्ड गिडल मॉड्यूल ऐप। तो आपको जाना है बिल्ड गिडल मॉड्यूल ऐप पर। तो यहाँ पर हम बिल्ड गिडल मॉड्यूल ऐप पर हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक जो आपकी जो पैकेज नेम है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पे भी आपको चेक कर लेना है कि वो सेंस हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे आप हमारा पैकेज नेम सेंस हो चुका है पहले ही, तो हमने जो है नीचे जो चेकबॉक्स था उसको हमने टिक कर दिया था, तो उस वजह से यहाँ भी वो सेंस हो चुका है। तो अगर आपका यहाँ पे सेंस नहीं होगा तो तब भी आपका प्रोजेक्ट में एरर दे सकता है। तो यहाँ से हम दोबारा इसको सिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक बिल्ड के अंदर एरर दिखा रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट पैकेज नेम जो है इसके अंदर एक लॉजिक सेट किया हुआ है कि अगर इसको आप चेंज नहीं करेंगे तो इसमें आपका ये एरर शो करेगा। तो हमने तो यहाँ पे पैकेज नेम चेंज कर दिया था, तो जो उसकी पहले की पैकेज नेम था तो यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो जिस भी फाइल के अंदर जो भी एरर होगा तो यहाँ पे आप उस फाइल को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं कि किस पोजीशन में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली उस पोजीशन पे ले जाएगा जहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इस फाइल के अंदर ले गया है बिल्ड डॉट जो हमने मॉड्यूल फाइल के अंदर हमें ले गया है, जो हमारे प्रोजेक्ट की अभी करेंट पैकेज नेम इज इक्वल टू कॉम डॉट डिफॉल्ट सैंपल स्टिकर डॉट एपीके है, तो ये हमारा बिल्ड में एरर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो पहले ये क्या हुआ था कि जैसे ही हम इसकी पैकेज नेम के अंदर जैसे ही हम इसको चेंज कर दिया था कॉम डॉट एग्जाम्पल से कॉम डॉट डिफॉल्ट, तो इस इफ कंडीशन के अंदर भी ये चेंज हो गया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लॉजिक को हम यहाँ से रिमूव ही कर देंगे। तो दोबारा हम इसको हमने रिमूव कर दिया और इसको हम एज ए सिंक कर देते हैं दोबारा से। तो हमारी जो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ बाय डिफॉल्ट स्टिकर्स देखने को मिल जाता है, तो उसको हम डायरेक्टली ऐड टू व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ऐड टू व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक डायलॉग दिखेगा, वुड यू लाइक टू ऐड क्रापी टू व्हाट्सएप। तो उस पर हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप के अंदर ये डायरेक्टली ऐड हो चुका है। तो अगर हम यहाँ से अपने व्हाट्सएप में दोबारा हम जाके देखेंगे कि सही में हमारे ये जो सारा जो स्टिकर है वो ऐड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी व्हाट्सएप के अंदर ये सारा कुछ स्टिकर ऐड हो चुका है, तो उसमें से हम कोई भी स्टिकर को एज ए हम सेंड कर सकते हैं। तो उसमें से आप अपने मर्जी से कस्टमाइज करके जो भी स्टिकर आप PNG या WPS फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे वो आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं दोबारा प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ से हम ऐप जो हमारा फोल्डर है उस पर क्लिक करते हैं और उसमें आपको जो भी स्टिकर हमारी एप्लीकेशन के अंदर करेंटली शो कर रहा था जिससे हम डायरेक्टली यहाँ पे जो भी ऐड कर सकते थे, तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिल जाता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो जैसे कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमें ये सारा बाय डिफॉल्ट स्टिकर देखने को मिल जाता है, तो उसको हम डायरेक्टली तो व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं। तो उसको हम किस तरीके से अपने खुद की स्टिकर्स को हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एक एसेट नाम का यहाँ पे एक फोल्डर है, तो जैसे ही आप एसेट फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक जेसन फाइल मिल जाएगा। तो एक जेसन फाइल है उसके अंदर ही सारा कुछ लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर जो भी फाइल्स है उसका नाम यहाँ पे लिस्ट में क्रिएट किया हुआ है। तो वहाँ इसके अंदर जो भी फाइल्स है वो यहाँ पे और एक फोल्डर बनाया हुआ है वन करके, और जैसे ही हम वन फोल्डर फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें लगभग 20 से 25 यहाँ पे हमें जो भी स्टिकर है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये PNG फॉर्मेट में नहीं है, ये है WebP फॉर्मेट में है। आप चाहें तो PNG फॉर्मेट में भी ऐड कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट है WEBP WebP फॉर्मेट में यहाँ पे ये सेव्ड है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें जो भी स्टिकर है हमें यहाँ पे फुल स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक जेसन फाइल मिल जाता है तो उसके अंदर हमें किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले तो जो भी स्टिकर हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी स्टिकर यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो उन सभी स्टिकर को यहाँ पे लिस्ट में क्रिएट किया हुआ है। तो अब बात आती है कि हम अपने स्टिकर को किस तरीके से यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जो पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टिकर है उन सभी स्टिकर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इस एक नंबर की जो सब डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जितना भी इमेज यहाँ पे है तो उन सभी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो उस फोल्डर को ही मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो उसके बाद हमें एक जो जेसन फाइल मिल जाता है तो उसके अंदर भी हमें जो भी डाटा है तो उसमें हम एज ए सेट करना होगा। तो अभी हम यहाँ से दोबारा एक नया डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं।
तो उसके लिए हम जो हमारे एसेट फोल्डर के अंदर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें एक डायरेक्टरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से हम नया डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोबारा हम इस डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं वन, या आप कुछ भी डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वन सिलेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे हमारा एक डायरेक्टरी बन चुका है। तो उस डायरेक्टरी के अंदर आपको जो भी आपका जो स्टिकर आप लगाना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सरपास स्टिकर मैंने यहाँ पे पहले से रेडी करके रखा है, तो इसके लिए मैं सरपास स्टिकर जो पहले से मैं रेडी करके रखा है तो उन सभी को अभी मैंने PNG फॉर्मेट में सेव किया हुआ है। तो उन सभी को मैंने अभी PNG फॉर्मेट में सेव किया हुआ है। तो उसको अगर आप स्टिकर में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको WebP फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आप एज ए ऑनलाइन इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो भी इमेजेस है उसको मैंने पहले से ऑनलाइन कन्वर्ट किया हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक वेबसाइट है, आप जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे जो PNG टू WebP कन्वर्टर, तो यहाँ से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका PNG फाइल है यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, और जो भी आपका रेजोल्यूशन है तो इसमें आपका एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो भी PNG फाइल होगा तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका इमेजेस है उसका रेजोल्यूशन 512x512 होना चाहिए। तो अगर आपकी जो इमेजेस 512x512 नहीं है तो जो भी इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका जो आउटपुट यहाँ पे कन्वर्ट होकर निकलेगा तो उसमें आप एज ए 512x512 आपका जो रेजोल्यूशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आपका जो जितने भी इमेजेस हैं जितना भी रेजोल्यूशन हो तो आपका ये 512 के रूप में ही आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे WebP फॉर्मेट के अंदर कुछ इमेजेस को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, तो उन सभी को मैंने यहाँ से कॉपी करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको Ctrl+V करके हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे जो भी स्टिकर हमने यहाँ पे WebP फॉर्मेट में सेव कर लिया था वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे एक आइकन भी लगेगा और हमारा एक टाइटल और एक सब टाइटल, और अगर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने जो भी वेबसाइट URL, प्राइवेसी पॉलिसी जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपकी जो JSON फाइल के अंदर सेट करना होगा। तो उसके बाद हम जो हमारा आइकन हम सेट करेंगे उसके लिए हम PNG फॉर्मेट में भी वो सपोर्ट करता है। तो उसके लिए मैं PNG फॉर्मेट का कोई भी एक इमेज इस फोल्डर के अंदर मैं सेट कर देता हूँ। तो अब बताती है कि हमारी जो भी JSON फाइल है उसको हम किस तरीके से कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नोटपैड के अंदर एक डेमो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो उसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दे देता हूँ तो इन सभी को मैं यहाँ से रिप्लेस करके उसके साथ दे दिया हूँ। तो अब बात आती है कि हमारे इस JSON फाइल के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करना है। तो सबसे पहले तो हमारे इस JSON फाइल को मैंने एज ए JSON व्यूअर के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो इसके अंदर आप जो पहले की जो 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर लिंक, iOS प्ले स्टोर लिंक और स्टिकर पैकेज, तो ये आपका जो पहले का दोनों है, यहाँ पे आपका जो प्ले स्टोर का URL आप दे सकते हैं जो भी आपकी एप्लीकेशन, और आपका जो iOS के लिए यहाँ पे दिया है। तो ये दोनों अगर आप नहीं भी देंगे तो आपका चल जाएगा, तो इसमें आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। तो उसके बाद हमारा जो एक स्टिकर पैकेज करके एक पैकेट यहाँ पे बन गया है, तो उसके अंदर ही हमें जो भी स्टिकर का ये लिस्ट है यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है आइडेंटिफायर, तो उसके अंदर हमें जो भी एज ए फोल्डर नेम है वो हमें देना है। जैसे कि हमें एसेट फोल्डर के अंदर हमें और एक नया सब फोल्डर हमने क्रिएट किया था, और उसके अंदर ही हमें जो भी स्टिकर की आइकन हो गया वो हमने यहाँ पे पेस्ट किया था, तो वो डायरेक्टरी का नाम हमें यहाँ पे देना होता है। तो उसके बाद हमें देना होता है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नेम, जैसे कि आप अगर जो भी जिस रिलेटेड आप स्टिकर बनाते हो और उस रिलेटेड आप इसमें जो भी नेम आप यहाँ पे दे सकते हो, तो उसके बाद आप कौन से पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया है वो पब्लिशर का नाम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और जो पहला आइकन आपका शो होगा वो आइकन क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस और वेबसाइट, प्राइवेसी पॉलिसी, इन सभी चीज़ों को आप दे सकते हो। अगर नहीं देंगे तो आपका ये शो नहीं करेगा, कोई एरर नहीं देगा लेकिन आपका शो नहीं करेगा। तो सबसे मेन जरूरी बात है कि आपका ये डायरेक्टरी नेम आपको देना ही होगा, और आपको ये सही से ही देना होगा, अगर नहीं देंगे तो आपका ये शो नहीं करेगा। तो उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट नेम, जो पब्लिशर नेम और आपका ये आइकन, ये तीन चीज़ें आपको सही से भरना है। अगर ये सही से नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन में एरर दे सकता है। तो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप है, जो भी हमारा स्टिकर है, तो उसके लिए अलग अलग करके जितने भी स्टिकर, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे स्टिकर को ऐड किया है, जैसे कि पहला एक नंबर का, दो नंबर, 3 एंड 4, तो
तो और सारा अगर स्टिकर को ऐड करना है तो इसके लिए आप दोबारा यहाँ पे कोमा दे के और इसको यहाँ से आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर दोबारा आप यहाँ से इसको पेस्ट करिए और जो भी आपका फाइल नेम हो गया आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जो तो हर किसी में आप अलग अलग तरीके का जो इमोजीज है वो यहाँ पे आप एज ए बाय डिफॉल्ट दे सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दोबारा हम इसको सेट कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये सेट हो चुका है, अगर इसमें ये सही से आपका कहीं भी अगर गलती नहीं हुआ है तो इसमें से आपको एक कॉर्नर में आपको राइट सिंबल देखने को मिल जाएगा, ग्रीन सिंबल। तो जब भी आप अपने जेसन फाइल को जैसे एडिट करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप कुछ भी चेंजेस करेंगे उसके बाद जस्ट फाइनली आपको ये देखना है कि जो एक कॉर्नर में ग्रीन सिंबल आपको शो हो रहा है कि नहीं, ये जरूर देखना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन बिल्ड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये कुछ मिसिंग हो रहा है और इसके लिए इस पोजीशन में भी आपको यहाँ पे रेड सिंबल दिखा रहा है, तो इसमें कुछ मिसिंग, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोमा को हटा दिया था तो यहाँ पे आपको ये इरो देखने को, रेड सिंबल देखने को मिल जाएगा, जो भी वार्निंग है यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह का आपको चीज़ों का भी ध्यान रखना है अपनी इस सेशन फाइल के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे वो जो मैं यहाँ पे इसको दोबारा सेट कर देता हूँ, वो यहाँ पे वो फाइनली ये कुछ इरो नहीं है अभी, जीरो। तो ये हो गया हमारा ये जेसन फाइल का जो पहला सेटअप। तो इसका हमने अभी चार इमेज यहाँ पे सेट किया है, तो अभी हम इसको अगर दोबारा हमारे लाइव टेस्टिंग में उसको मैं एज ए बिल्ड करके देख लेता हूँ। तो जैसे कि हमारा एपीके यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है तो वो ये बढ़िया तरीके से बिल्ड हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है, तो इसमें हमारा जो एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट नेम हमने यहाँ पे दिया है प्रोजेक्ट नेम, और इसके अंदर जैसे कि हमारा पब्लिशर नेम, जो हमारा पब्लिशर नेम ही हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो भी इमेजेस है उसका टोटल साइज कितना है यहाँ पे शो करेगा, और हमने जो सारे स्टिकर ऐड किया था वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर आप कोई ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और प्राइवेसी पॉलिसी ये अगर आप देंगे तो ये सभी चीज़ें आपको एज ए इन्फो बटन पे शो करेगा। जैसे कि आप इन्फो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे कोई प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल में दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि मैं अपना जो है ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो है पब्लिशर ईमेल एड्रेस सेट कर दिया है, जो है पब्लिशर वेबसाइट भी दे दिया है, और जो है प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर भी हमने ये तीनों के अंदर सेम यूआरएल हमने यहाँ पे दे दिया। अगर हम ये सारा कुछ दे के अगर दोबारा हम इसको बिल्ड करके देखेंगे तो हमें हमारे इन्फो के अंदर ये सारा चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन दोबारा से बिल्ड हो चुका है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इन्फो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा व्यू वेबसाइट, सेंड ईमेल एड्रेस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारा कुछ यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा। तो अब बात आती है कि यहाँ पे जो स्टिकर शो कर रहा है वो है लिस्ट का एक ही एलिमेंट शो कर रहा है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग टाइप की अगर लिस्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि यूज़र एज ए डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि मुझे कौन सा स्टिकर ऐड करना है। तो ये सारा स्टिकर को भी मैं यहाँ से ऐड करके देख लेता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप में वो वर्क करता है कि नहीं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये न्यू स्टिकर जो हमने अभी बिल्ड किया है ये सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, ये सारा हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। तो अब बताती है कि जो हमने बताया जैसे कि हमारा इसमें लिस्ट, अलग अलग लिस्ट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप का जो भी स्टिकर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमने एक डायरेक्टरी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है तो उसके अंदर हमें और एक सब डायरेक्टरी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमने वन क्रिएट किया था तो हमने यहाँ पे एसेट फोल्डर के अंदर और एक हम न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, डायरेक्टरी नंबर टू। तो इसके अंदर भी हम इन्हीं सारे इमेजेस को दोबारा डुप्लीकेट यहाँ से कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम इमेजेस को इसी जो हमारा सेकेंड डायरेक्टरी के अंदर भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्टरी के अंदर। तो उसके बाद हमें हमारे जेसन फाइल के अंदर भी हमें उसको कॉन्फिगर करना होगा। तो उसके लिए हम दोबारा जो हमारा जेसन व्यूअर के अंदर जाते हैं तो ये जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ तो इसको हम दोबारा ऐसे यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक कॉमा देना है और जो हमने यहाँ से कॉपी किया है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डायरेक्टरी नंबर, जैसे कि अभी हमने न्यू डायरेक्टरी क्रिएट किया है डायरेक्टरी टू, तो इसमें आपका जो डायरेक्टरी नेम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और हमारा पहले वाले को हम कर देते हैं प्रोजेक्ट नेम वन एंड सेकेंड को हम कर देते हैं प्रोजेक्ट नेम
टू। तो ये हो गया हमारा सिस्टम जिसमें हमारा दो अलग अलग लिस्ट आइटम यहाँ पे शो करेगा। तो इसको हम दोबारा एज ए डुप्लीकेट करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दो लिस्ट आइटम क्रिएट कर लिया है, प्रोजेक्ट नेम वन एंड प्रोजेक्ट नेम टू। तो इसमें हम अलग अलग स्टिकर को अलग अलग कैटेगरी के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको दोबारा हमारे लाइव टेस्टिंग में कनेक्ट करके देख लेते हैं ये सही से हमारा रन होता है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमें अभी कुछ इस तरीके से शो कर रहा है लिस्ट के अंदर, जैसे कि प्रोजेक्ट नेम वन प्रोजेक्ट नेम टू। तो हमने यहाँ पे सेम ही इमेजेस को डुप्लीकेट कर दिया है तो इस वजह से सेम आइकन दिखा रहा है। तो आप जिस तरह का आइकन यहाँ पे लगाएंगे स्टिकर तो वो आपका यहाँ पे शो करेगा। आप यहीं से डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं और नहीं तो आप एज ए इसमें क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ सेम उसी तरीके से व्यू होगा। तो अगर आपका एक ही लिस्ट आइटम होगा तो डायरेक्ट ओपन करते ही आपको ऐसे शो करेगा, अगर आपका मल्टीपल लिस्ट आइटम है तो आपका यहाँ कुछ इस तरीके से शो होगा। तो आज की वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से आप अपना खुद का व्हाट्सअप स्टिकर की एप्लीकेशन बना के अपने प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकते हैं। तो इसका ये पहला पार्ट है जिसमें हमने बात कर चुका हूँ कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप की जो प्रोजेक्ट सोर्स कोड को डाउनलोड करके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपोर्ट करके किस तरीके से जो भी इसका डिफ़ॉल्ट जो स्टिकर यहाँ पे दिया गया है उसको आप चेंज करके अपने खुद का स्टिकर के साथ किस तरीके से रिप्लेस करके उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसके अंदर एडमोब की जो ऐड है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी ऐड यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो आप चाहते हैं कि कोई भी ऐड बैनर ऐड हो इंस्टीशियल ऐड हो वो आप बढ़िया तरीके से उसके साथ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इसके साथ ही आप किस तरीके से उसका साइंड एपीके जनरेट करके उसको प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको बाद में कुछ भी अपडेट करना हो तो ये भी आप किस तरीके से कर पाएंगे वो भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।